वहीं अगर हम बात करें गोरेला पेंड्रा की, तो वहां भी बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। जिले में आज जो 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां 1,000 बच्चों की वैक्सीन लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, देखिए खास रिपोर्ट। 3 जनवरी 2022 से बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि 3 जनवरी 2022 से बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा और उसकी तैयारी पूरे देश में चालू हो गई है। मैं अभी पेंड्रा के वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़ा हूँ, जहाँ से अब से कुछ देर बाद बच्चों को वैक्सीन शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, जिसके चलते एक थोड़ा सा वैक्सीनेशन रुका हुआ है, पर अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गई है। देख पा रहे हो कि पंजीयन कक्ष बनाया गया है, यहाँ पे पंजीयन किया जा रहा है। जिन जिन बच्चों को वैक्सीन लगना है उनका पंजीयन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि बच्चों की उम्र क्या है और किस तरह से वैक्सीन लगाया जाए। हमारे साथ बच्चे, उनसे बात करते हैं जो पंजीयन करा लिया है, तो कितनी उत्साह है उनके मन में और वैक्सीनेशन को लेकर। क्या नाम लिया आपका? कितने साल के हैं? 16 साल। मोदी जी ने घोषणा किया कि वैक्सीनेशन किया जाएगा, कितनी उत्साह है आपके मन में वैक्सीनेशन को लेकर? बहुत उत्साह। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अपने दोस्तों को करेंगे? हाँ सब, मेरे दोस्त भी वैक्सीन लगवाएंगे और मैं तो लगवाऊंगा। तो ये स्टूडेंट थे जो जिनमें काफी उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर, उनके पिताजी थे, उनसे बात करते हैं, वो खुद बच्चे को लेकर आए, उनके मन में कितना उत्साह है। जी भैया, क्या नाम आपका? मैं देवेंद्र शुक्ल। भैया, बच्चे को लेकर आए वैक्सीन लगवाने के लिए, क्या उत्साह है, कितनी उत्साह है आपके? बहुत बहुत उत्साह था, मतलब इंतजार था कहिए एक तरह से, और इंतजार आज खत्म हुआ कि बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी और ये अच्छे से अपना स्कूल वगैरह का अध्यापन कर सकेंगे। बहुत अच्छा। तो आपने देखा पेरेंट्स खुद बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर लेके पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह है लोगों के मन में कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वैक्सीन सेंटर जहां पे वैक्सीन लगाया जाएगा, ये पंजीयन कक्ष है। ये देख पा रहे हैं लगातार यहां पे पंजीयन भी जारी है और इसके बगल में ही जो वैक्सीन सेंटर है वो बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा वैक्सीन सेंटर की क्या स्थिति है और किस तरह से तैयारी की। देख पा रहे हैं पूरे बच्चों के हिसाब से यहां पे गुब्बारा भी लगाया गया है, क्योंकि आज वैक्सीनेशन का पहला दिन है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद आज 3 जनवरी को वैक्सीनेशन चालू किया गया बच्चों का। ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे पूरे जो स्टाफ है वो तैयार बैठे हैं, वैक्सीन लेकर और इनका बाकी चीजें वो सब तैयारी कर ली गई है। मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि चूंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, इसलिए